नारायण नारायण, आज हम पढ़ रहे हैं रामकथा मंदाकिनी चतुर्थ प्रवचन श्री राम शरणम मम। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में रामकथा के अगिनत रूपों की चर्चा की गई है। कहीं रामकथा को सद्गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कहीं गंगा के रूप में और कहीं यमुना के रूप में, और इसके पीछे मानो यह संकेत किया गया है कि रामकथा के ये जो भिन्न भिन्न रूप हैं, इन सब की आवश्यकता विभिन्न व्यक्तियों के जीवन में है। रामकथा के जिस रूप के द्वारा हमारे जीवन तथा हमारे मन की समस्याओं का समाधान मिल सके, हम रामकथा के उस रूप का आस्वादन करें। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जिनके कान समुद्र की तरह हैं तथा आपकी जो कथाएं हैं वे भिन्न भिन्न नदियों के रूप में हैं, और जैसे नदियाँ निरंतर समुद्र की ओर बहती जा रही हैं, पर समुद्र कभी यह नहीं कहता कि अब जल की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जिस श्रोता का हृदय और कान ऐसे बने हुए हैं कि अनगिनत रूपों में श्री राम की कथा सुनने के बाद भी उसको तृप्ति नहीं होती है, निरंतर उसे सुनने की व्यग्रता बनी रहती है, प्रभु आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें। और इस बार जो प्रसंग चुना गया है, रामकथा को मंदाकिनी बताया गया है। मंदाकिनी का जो परिचय श्री रामचरितमानस में दिया गया है वह बड़ा सांकेतिक है। भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या से निष्कासित कर दिए गए हैं, जिनकी बुद्धि मंत्रा के वशीभूत हो चुकी है। उन कैकई ने श्री राम को वन भेज दिया है। ईश्वर का पास आना और ईश्वर का दूर जाना ठीक उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार से व्यक्ति का पास आना या दूर जाना होता है। तात्विक दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो ईश्वर न तो कहीं आता है और न कहीं जाता है। आना जाना उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि बेचारा व्यक्ति तो एक स्थान में होता है, और जब वह वहाँ से दूसरे स्थान में जाता है तो उसे जाना कहते हैं, और अगर व्यक्ति कहीं अन्यत्र से आता है तो उसे आना कहते हैं। पर ईश्वर तो सर्वव्यापी है, न उसे कहीं आना है न कहीं जाना है। किंतु हम लोगों के जीवन में यह समस्या है कि कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर हमारे निकट आ गया, और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर हमसे दूर हो गया। और इसका अभिप्राय है कि इस सामीप्य तथा दूरी का अनुभव कब होता है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी तथा अन्य भक्तों ने यह सूत्र दिया कि जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रही सके रवि रजनी इकठाम। जब हमारे अंतर जीवन में काम आ जाता है, क्रोध और लोभ की वृत्ति आ जाती है, अभिमान की वृत्ति आ जाती है, तो स्वभावतः ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी उस समय हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, वह हमें दिखाई नहीं देता। और जिस समय हमारे अंतःकरण में भगवत भक्ति तथा प्रीति का उदय होता है, सद्भावनाओं का उदय होता है, उस समय ईश्वर हमें अपने अंतर जीवन के अत्यंत समीप दिखाई देता है। चित्रकूट में प्रभु कब गए? जब अयोध्या में दोषों का उदय हुआ। महाराज श्री दशरथ तथा कैकई के जीवन में भी कुसंग के प्रभाव से कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा। मानो ईश्वर को दूर करने में सबसे बड़ा कारण है कुसंग, और ईश्वर के सामीप्य का अनुभव करने के लिए सबसे बड़ा है सत्संग। इसीलिए कैकई जी तथा मंथरा के संवाद को गोस्वामी जी ने यही कहकर समाप्त किया कि देखो तो को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। जिन कैकई जी का निवास स्थान अयोध्या जैसी पवित्र नगरी है, जो महाराष्ट्र दशरथ की पत्नी हैं, जिनमें अनेक सद्गुण विद्यमान हैं, उन पर भी कुसंग का इतना भयानक प्रभाव पड़ गया। संतों की नगरी अयोध्या में एकमात्र असंत थी मंथरा, और उस असंत मंथरा को देखकर यह लगना स्वाभाविक ही था कि जहाँ पर लाखों व्यक्ति अच्छे हों वहाँ पर एक बुरा व्यक्ति क्या कर लेगा। पर आप गहराई से विचार करके देखिए, रोग की स्थिति भी तो यही होती है। रामायण में एक वाक्य कहा गया है, रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहिग नई न छोट करी, अस कही विधि विलाप करी, लागी रोदन करन। अग्नि, रोग, पाप, शत्रु तथा सर्प, इन सब को छोटा समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए। व्यवहार में भी जैसे दिखाई देता है कि रोग का श्री गणेश कितने नन्हे से रूप में होता है, पर किस तरह से एक अंग में उत्पन्न होने वाला रोग सारे शरीर पर अधिकार कर लेता है।
उसी प्रकार से यह सोचकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि आधा दुर्गुण बना रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है एकमात्र मंत्रा। अयोध्या में मानसिक रोगों का पूरी तरह से प्रचार और प्रसार का अभाव था, पर मंथरा महारानी कैकई को प्रेरित करती है कि वे महाराज श्री दशरथ से अनुरोध करके श्री राम को वन भेज दें। यद्यपि महाराज श्री दशरथ में लोभ और क्रोध की वृत्ति तो नहीं है, पर काम की दुर्बलता उनके जीवन में भी है। उनके जीवन से राम कब दूर हुए? जब वे कैकई के कोप भवन में पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने कैकई को मनाने के लिए यह कहा, जानिस मोर स्वभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। हे सुंदरी कैकई, यह तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा मुख चंद्रमा है और मेरा मन चकोर है। यद्यपि दशरथ जी पहले भी चकोर थे और अब भी चकोर हैं, पर इस चकोर की दृष्टि पहले जिस चंद्रमा की ओर थी, वह चंद्रमा कौन था? गोस्वामी जी ने कहा कि जब मनु के सामने भगवान श्री राघवेंद्र प्रकट हुए, उस समय श्री राम के मुख का वर्णन करते हुए लिखा कि सरदमयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। भगवान श्री राम का मुख शरद ऋतु का चंद्रमा है और महाराज मनु की दृष्टि चकोर की भांति इस चंद्रमा को निहार रही है। वस्तुतः जब तक वे श्री रामचंद्र के चकोर थे, तब तक राम उनके पास थे, और जब रामचंद्र के साथ वे कामचंद्र के भी चकोर बन गए तो प्रभु ने कहा अब दूसरा चंद्रमा मिल गया है, इसलिए अब हमारी आवश्यकता नहीं रह गई। इसका अभिप्राय है हमारे अंतःकरण में दुर्वृत्तियां हैं, चाहे कुसंग के कारण उत्पन्न हुई हों, वे हमारे दृष्टि श्री राम की ओर से हटा करके सांसारिक वस्तुओं की ओर ले जाती हैं। यही जीवन से राम को दूर बना देना है और भगवान श्री राघवेंद्र दूर हो जाते हैं। यह वन बड़ा सांकेतिक शब्द है। वन को गोस्वामी जी ने तीन रूपों में प्रस्तुत किया है। एक तो उन्होंने कहा कि मोह का वन है, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता, और लंका कांड में वे कहते हैं कि संशय ही वन है, संशय विपिन अनल सुर रंजन। और यह जो दोहा आपके सामने रखा गया, इसमें वन के रूप में प्रेम का वर्ण किया गया है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारु। नगर में तो मार्ग बने हुए हैं, पर जहाँ सघन वन है वहाँ पर व्यक्ति मार्ग ढूंढने में अक्षम हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं किधर से जाऊँ। इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी जब कभी संशय की स्थिति आ जाती है तो यह निर्णय करना बड़ा कठिन होता है कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए, अथवा जब व्यक्ति के अंतःकरण में मोह का उदय होता है और मोह के उदय का अभिप्राय है कि जान करके भी बार बार वह भूल दोहराने की वृत्ति, जिस भूल को हम हजार बार अनुभव कर चुके हैं, उसके बाद तर्क यही कहता है कि भाई इतनी बार भूल का अनुभव करने पर तो व्यक्ति को उसे छोड़ देना चाहिए, पर आचरण इससे ठीक विपरीत होता है। बार बार वही भूलें होती हैं, बस उसी का नाम मोह है। उसके लिए गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया है। बसंत ऋतु में सेमर के वृक्ष में सुंदर सुंदर लाल रंग के पुष्प खिले हुए हैं, और तोता जब उन लाल रंग के पुष्पों को देखता है तो रंग देखकर मोहित होता है और समझता है कि इस वृक्ष में तो बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं, और फल के लोभ से वह पुष्प पर आकर प्रहार करता है, चोंच चलाता है। किंतु सेमर के वृक्ष में तो रुई होती है, उसमें कोई रस है ही नहीं, लेकिन अनुभव कर लेने के बाद भी फिर वही भूल दोहराता है। यह कल्पना करता है कि एक बार फिर चोंच चलाने के बाद रस नहीं मिलता, किंतु दो घंटे बाद फिर से उसमें रस आ जाएगा, और वह दिन भर उसी प्रकार की भूल बार बार दोहराता रहता है। पर इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि तोतों के झुंड ने दो महीने तक यही अनुभव किया कि जब सेमर के पुष्पों पर चोंच चलाई गई तो उनमें से रुई ही सामने आई, रस नहीं मिला। लेकिन जब दूसरा बसंत आया और फिर से वृक्ष में फूल आए तो वही तोतों के झुंड पुनः उन पुष्पों पर टूट पड़े। गोस्वामी जी ने कहा बस बस मोह की व्याख्या मिल गई। सोई से मर सोई सुवा, सेवत बहुरी बसंत, तुलसी महिमा मोह की समुझी सराहत संत। संत लोग कहते हैं कि कितना विचित्र यह मोह है, और यही स्थिति हम आप सबकी है।
हम अनगिनत व्यक्तियों को मरते हुए, रोगग्रस्त होते हुए देख रहे हैं, पर सब कुछ देखते हुए भी तथा स्वयं कष्ट पाते हुए भी हम जीवन में बार बार उन्हीं भूलों को दोहराते हैं। यही हमारा मोह है। संशय का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता है कि यह ठीक है कि वह ठीक है, इस संशय की तुलना भी वन से की गई है। इस संदर्भ में रामायण में अनेक सूत्र दिए गए हैं। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है प्रताप भानु का, कि वह वन में जाकर भटक गया। प्रताप भानु जिस वन में भटका वह मोह का वन था, क्योंकि प्रताप भानु को यह ज्ञात था कि इस मृत्यु लोक में कोई भी शरीर से अमर नहीं है। शरीर तो नश्वर है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। पर इस वन में जब कपट मुनि से उसकी भेंट हुई और कपट मुनि ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो वन में भटके व्यक्ति ने तुरंत कहा कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जितई जनी को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, महाराज मैं बूढ़ा ना हो, मेरी कभी मृत्यु ना हो। और यही हमारी आपकी भी समस्या है, लोगों को बूढ़े होते हुए देख करके भी यही चिंता लगी हुई है कि कहीं हम बूढ़े ना हो जाएं। लोगों को रोगग्रस्त होते हुए देख करके भी हमारी सारी शक्ति लगा देते हैं कि कहीं बीमार ना हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम प्रयास छोड़ दें, पर उसमें इतनी तीव्र आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए कि संत से भी जा करके यही मांगे। यह तो विडंबना की पराकाष्ठा हो गई। वस्तुतः संत के पास देने के लिए सबसे बड़ी वस्तु है भगवान। जब कोई संत कहे कि चाहे जो मांग लीजिए और आप भगवान को छोड़कर कुछ और मांगे, इसका अभिप्राय है कि आपने न तो संत के प्रति न्याय किया, न ही अपने विवेक का सही सही उपयोग किया। प्रताप भानु ने यह याचना की कि हमारी कभी मृत्यु न हो, हम कभी हारे नहीं। किंतु भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? जीवन में जब कभी विजय होगी तो पराजय भी अवश्यंभावी है। युवावस्था है तो वृद्धावस्था भी होगी, शरीर है तो रोग भी है, और यही मोह भरी मिथ्या आकांक्षा उसे वशीभूत कर लेती है। यही है मोह के वन का भटकाव। प्रताप भानु और कपट मुनि का वार्तालाप जब समाप्त हुआ तो रात हो गई थी। प्रताप भानु को घर की चिंता लगी हुई थी कि वहां तो राजमहल में सारी रानियां, मंत्री और सेनापति मेरे लिए चिंतित होंगे। ऐसी स्थिति में उसने कहा, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी समय अपने घर लौट जाऊं। बस कपट मुनि तो कपटी था ही, उसे अवसर मिल गया। एक बात तो आपको बतावें कि साधु बनना जितना कठिन है, साधु का वेश बनाना उतना ही सरल है। अगर वेश के संदर्भ में देखें तो वेश तो बाजार में बहुत सस्ता बिकता है। आप 10 मिनट में साधु का वेश बना लीजिए, पर सचमुच साधु बन पाना सबसे कठिन साधना है। इसीलिए गोस्वामी जी ने सावधान करते हुए लिखा कि तुलसी देख सुवेशु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेखु, वचन सुधा सम असन अही। केवल वेश देख करके मूर्ख व्यक्ति ही भ्रमित होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। किंतु यहाँ पर तो देखी सुवेशु महामुनि जाना, उसका सुंदर वेश देखकर प्रताप भानु सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़े मुनि हैं, इनका वस्त्र कितने गहरे रंग में रंगा हुआ है, कुटिया में रहते हैं, इनसे बढ़कर महात्मा कौन होगा। फिर जब पूछा कि मुझे मार्ग बताइए, मानो जिज्ञासु पूछ रहा है, मैं अपने घर पहुँचना चाहता हूँ, अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहता हूँ, कौन सा मार्ग है? तब कपट मुनि कहता है, निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान, बस आजु अस जानि तुम, जायो होत बिहान। तुम रात्रि के समय यहाँ विश्राम करो, प्रातः काल होने पर चले जाना। उसने कहा, महाराज आपकी आज्ञा है तो मैं रुक जाता हूँ, परंतु वहां तो सब लोगों को चिंता हो रही होगी। तो कपट मुनि ने कहा कि अब तुम मेरा चमत्कार देख लेना कि हम बिना चले ही पहुंचा देंगे। संत साधन मार्ग दिखाकर उसमें चलने की प्रेरणा देता है। पर कपट मुनि ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम पहुंच जाओगे। सचमुच रात्रि में जब वह सोया तो कपट मुनि का मित्र काल केतु राक्षस वहां आया और उसने प्रताप भानु को सोते सोते उठा लिया और ले जाकर महल में रानी के बगल में सुला दिया। प्रातः काल जब प्रताप भानु की आंखें खुली और देखा कि मैं महल में अपनी रानी के बगल में हूँ, तो बड़ा गदगद हुआ। सोचने लगा, वाह, इतने चमत्कारी गुरु मिले, मुझे चलना ही नहीं पड़ा और पहुंचा दिया। पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि राम के पास पहुंचा दिया या काम के पास पहुंचा दिया। धन्यता तो तब होती जब वे सोए सोए राम के पास पहुंचा देते, जैसे हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को पहुंचा दिया था।
हनुमान जी वास्तविक साधु हैं और ये नकली साधु हैं। वास्तविक साधु वह है जो चाहे जगाकर चाहे सुलाकर पर ईश्वर के पास पहुंचा दे, और नकली वह है जो चमत्कार के द्वारा हमें जहां से चले थे वहीं पहुंचा दे। प्रताप भानु चला भी घर से था रानी के पास से, और अब फिर वहीं पहुंच भी गया। यह कौन सा चमत्कार हुआ कि आप जहां से चले थे वहीं के वहीं फिर पहुंच गए? बस यही मोह के वन का भटकाव है। मोहग्रस्त व्यक्ति ऐसे मार्ग की खोज में लगा हुआ है कि जहां करना कुछ न पड़े और सब कुछ चमत्कार से हो जाए, पर वह चमत्कार उसको कहां ले जाता है? इसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं है, केवल चमत्कार को चमत्कार की दृष्टि से देखता है। यही है जीवन का भटकाव, और यह भटकाव उसे राक्षस के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह मोह का वन है। सती जी जिस स्थान पर भटक गई वह संशय का वन है। जब उन्होंने देखा कि भगवान शंकर ने उन्हें सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, तो उन्हें संशय हो गया कि जो ब्रह्म अजन्मा है, जिसे वेद भी नहीं जान पाते हैं, क्या वह शरीर धारण करके मनुष्य बनेगा? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर चाहि न जानत भेद। यह संशय का वन है। मोह के वन में भटकाव से राक्षसत्व में परिणति हुई। जब कपट मुनि का सत्संग किया तो प्रताप भानु निशाचर रूप में परिणित हो गया, प्रकाश अंधकार के रूप में बदल गया, धर्मात्मा अधर्मी के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब संशय के वन में भटकाव हुआ तो उपाय तो बहुत सुंदर था, क्योंकि शंकर जी साथ ही थे। शंकर जी के आध्यात्मिक रूप का वर्णन करते हुए कहा गया कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास हैं। व्यक्ति को सांप काट ले और दवा पास में हो, किंतु फिर भी यदि दवा न खाए तो उससे बढ़कर अभागा भला कौन होगा? सती जी को जब संशय हुआ तो शंकर जी से बता देना चाहिए कि महाराज, मुझे तो सांप ने काट लिया, और उनके पति देव तो ऐसे हैं जो सांप को भी आभूषण बनाए रखते हैं। रामायण में जैसे संशय को वन कहा गया है, वैसे ही संशय को सांप भी कहा गया है। गरुड़ जी जब काकभुशुंडी जी के पास आए थे तो कहने लगे, महाराज मुझे तो सांप ने काट लिया है। काकभुशुंडी जी ने कहा, गरुड़ को कहीं सांप काट सकता है? उन्होंने कहा कि सांप चाहे भले ही न काटे, लेकिन संशय सर्प ग्रस्य मोहिताता, संशय के सर्प ने मुझे ग्रस लिया है, और आप कृपा करके उसके विष से मुझे मुक्त कीजिए। अगर विचार करके देखें तो कितना बड़ा सौभाग्य था। सती जी को अगर संशय के सर्प ने डस लिया था, संशय के वन में भटक गई थी, तो विश्वास तो वही थे। लेकिन सती जी ने शंकर जी को बिल्कुल नहीं बताया कि याद रखिए, यदि सांप काट ले और हम छिपाने की चेष्टा करें, दूसरे को न बतावें, या जिसके पास दवा है उसे न बतावें, या वन में भटक जाएं, और भटक जाने के बाद भी अगर किसी मार्गदर्शक से मार्ग न पूछें, तो ये दोनों ही स्थितियां बुद्धि की विपरीतता की परिचायक हैं। सती जी के अंतःकरण में यही वृत्ति दिखाई दे रही है, और तब भगवान शंकर को सती जी से कहना पड़ा कि सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न घरई उरकाऊ। इस प्रकार सती जी के मन में भटकाव हुआ और उसकी परिणति बड़ी दुखदायी हुई। प्रताप भानु की परिणति तो अत्यंत भयानक हुई। सती जी के जीवन में जब संशय की वृत्ति आई और शंकर जी के समझाने पर भी जब समझ में नहीं आया, तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा ले लो। सती जी जब परीक्षा लेने गई तो सीता जी का वेश बना कर गई, पर भगवान राम ने जो ही सती जी को सीता जी के वेश में देखा तो तुरंत प्रभु ने जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। प्रभु ने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ यहीं रुक नहीं गए, केवल प्रणाम ही नहीं किया अपितु पूछ भी लिया कि कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु कही हेतु। अब इनमें से एक एक शब्द की आप जितनी व्याख्या करना चाहें कर लीजिए, शब्द तो केवल यही है, कहाँ वृष केतु, शंकर जी कहाँ हैं, और जंगल में आप अकेली क्यों फिर रही हैं। यद्यपि दिखाई तो देता है इतना छोटा सा वाक्य, पर अर्थ अत्यंत सांकेतिक है। वृष केतु कहाँ है, इसमें मानो संकेत यह था कि यह संदेह का वन है, और संदेह के वन में आपने विश्वास का साथ छोड़ दिया। अन्यत्र विश्वास की चाहे अपेक्षा न हो, पर जब कभी संशय के वन में भटकाव आवे, तब तो विश्वास के सहारे ही व्यक्ति स्थिर रह सकता है।
पर कितने दुर्भाग्य की बात है कि आपने भटकाव की स्थिति में ही शंकर जी का साथ छोड़ दिया। बिपिन और अकेली, इसमें व्यंग यह था कि आपने अभी क्या सुना है? श्री सीता जी का हरण कैसे हुआ? जब तक मैं और लक्ष्मण दोनों थे तब तक हरण नहीं हुआ, और फिर लक्ष्मण जी भी थे तब तक भी सीता जी सुरक्षित थी। पर आपने ध्यान दिया कि वहां पर भी जब भटकाव आया तो कैसे आया? जैसे दंडकारण्य भी संशय का ही वन है, और भटकाव भी इस रूप में है कि सीता जी के मन में लक्ष्मण जी के चरित्र के विषय में संदेह हो गया और उन्होंने कटु शब्दों के द्वारा लक्ष्मण जी को दूर भेज दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि रावण को अवसर मिला और उसने श्री सीता जी का हरण कर लिया। प्रभु के वाक्य में व्यंग यह था कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के अनुभव से भी तो सीखता है। जब आप अभी शंकर जी से सुन चुकी थी कि श्री सीता जी का हरण इसलिए हुआ कि वे जंगल में अकेली रह गईं, तो आपको स्वयं सावधान रहना चाहिए था, किंतु लगता है आप कुछ भी सीखने की स्थिति में नहीं हैं। आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इतना अहंकार है कि आपको लगता है कि उनका भले ही हरण हो गया हो पर मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। और व्यंग यह है कि सती जी का हरण भले ही ना हुआ हो पर शंकर जी के द्वारा त्याग तो हो ही गया। इधर भगवान राम ने सीता जी की शरीर से दूरी उत्पन्न हो गई और उधर शंकर जी से सती जी के मन की दूरी उत्पन्न हो गई। यह है संशय की समस्या। संशय के वन में यदि हम ईश्वर तथा संत का साथ छोड़ देंगे तो भटकाव आवेगा और वह भटकाव हमें लंका पहुंचा देगा, जहां मोह बंदी बनाकर हमें ईश्वर से दूर कर देगा। यह है संशय तथा मोह का वन। भगवान श्री राघवेंद्र जब अयोध्या से निष्कासित किए गए तो उन्होंने भी वन में ही निवास किया, किंतु उन्होंने जिस वन में रहना पसंद किया वह वन है चित्रकूट का। आइए इस वन की कुछ चर्चा की जाए। भगवान श्री राम अयोध्या से निकलकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि महाराज, आप कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं निवास करूँ। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की जो व्याख्या की, आप यदि उससे इस रामकथा मंदाकिनी को जोड़कर विचार करें तो आपको बिल्कुल नवीन सूत्र मिलेगा। वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। तुम चित्रकूट पर्वत पर निवास करो, वहां तुम्हें हर प्रकार का सुबास होगा, और वहां की विशेषता यह है कि अत्र आदि मुनिवर बसु बस ही कर ही जोग जप तप तन कस ही। राघवेंद्र, वहां पर अत्रि अनसुया जैसे महापुरुष निवास करते हैं, जो जप तप आदि से अपने शरीर को निरंतर तपस्या की कसौटी पर कसते रहते हैं, और साथ साथ वहां पर मंदाकिनी नाम की एक नदी भी बह रही है। और यह मंदाकिनी कौन है? कहा कि सुरसरी थार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, अत्रि आदि मुनिवर बहु बस ही कर ही जोग जप तप तन कस ही, चलहु सुफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु, चित्रकूट महिमा अमित कही महा मुनि गाय, आई नहाए सरिबर सिय समेत दो भाई। यहाँ पर मंदाकिनी का पहला परिचय यह कहकर दिया गया कि वह गंगा की एक धारा है। इस प्रकार राम कथा गंगा और राम कथा मंदाकिनी भी है। अब आइए इसकी तुलना करें। सबसे पहले राम कथा की गंगा का प्राकट्य हुआ और उसी राम कथा की गंगा से एक शाखा के रूप में उसी राम कथा की मंदाकिनी प्रवाहित होती है। राम कथा की गंगा कब प्रवाहित हुई? इसे गंगा जी की कथा के अवतरण से मिला लीजिए कि कैसे गंगा जी आती हैं और आकर कैसे सारे संसार के जीवों को धन्य बनाती हैं। वैसे ही भगवान की कथा की गंगा का भी प्राकट्य हुआ। गंगा का प्राकट्य तब हुआ जब बलि की यज्ञशाला में भगवान ने अपना चरण बढ़ाया और सारे ब्रह्मांड को उन्होंने दो ही पग में नाप लिया। उस समय भगवान के उन चरणों को देखकर ब्रह्मा गदगद हो गए तथा कमंडल लेकर भगवान के पास गए और प्रभु के चरण का जो नख था उसे उन्होंने कमंडलों के जल से धो लिया, और यही गंगा का प्रथम उद्भव हुआ। इसी प्रकार इस राम कथा के लिए भी ब्रह्मा चाहिए, ब्रह्मा का कमंडलू और कमंडलू में जल चाहिए। याद रखिएगा, कवि ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। सरस्वती ब्रह्मा की निरंतर निकट निवासिनी है। ब्रह्मा की तरह कवि भी नई कविता बनाकर नई सृष्टि की रचना करता है। यद्यपि कवि लोग रचना तो किया करते हैं, लेकिन सभी कवियों की लेखनी से गंगा नहीं निकलती।
पहला प्रश्न तो यह है कि ब्रह्मा के पास कमंडलू है, परंतु कवि के पास कमंडलू है कि नहीं? वस्तुतः विचार ही कमंडलू है। यदि कमंडलू खाली होगा तो आप चरण कैसे धोएंगे? इसीलिए विचार के कमंडलू में अनुराग तथा भावना का जल है कि नहीं? ब्रह्मा के पहले 5 मुख थे, पर भगवान शंकर ने एक सिर काट दिया था जब वे सरस्वती के पीछे भागे थे। इसका अभिप्राय है कि जब कोई कवि स्वयं ही अपनी कविता की सुंदरता के पीछे भागने लगे, इसको यों कह सकते हैं कि जैसे कन्या को पिता जन्म तो देता है पर उसकी सुंदरता को वह वर के प्रति समर्पित करता है, यही पिता की धन्यता है। कवि भी अगर पिता के रूप में कविता रूपी सुंदरी कन्या का निर्माण करके उसे भगवान से ब्याह दे तो उसने कविता का सार्थक सदुपयोग किया। पर अगर कहीं उसने कविता के पीछे स्वयं ही आसक्ति भरी दृष्टि से भागना शुरू किया तो मानो वह उचित कार्य नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर ने एक मुख काट दिया और 5वां जो सिर भगवान शंकर ने काटा वह मानो आसक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं। यद्यपि साधारण व्यक्ति की तो आंखें सामने ही होती हैं और वह एक ही ओर देख पाता है, पर 4 मुख वाले के पास सुविधा यह है कि उसे चारों ओर दिखाई देता है। इसी प्रकार कवि के भी 4 मुख होने आवश्यक हैं। इसका तात्पर्य है कि कवि वही होगा जिसको चारों ओर का सत्य दिखाई दे रहा है, जिसकी आंखें पैनी हैं, जो देखने में सक्षम है। अगर विचार के कमंडलों में भावना का जल है तो उस कवि की कविता बड़ी भावुक भी होगी, पर इससे पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उस भावना भरे जल से आप संसार का पग पखारते हैं कि भगवान का। इसका अभिप्राय है कि कविता का उपयोग आप किस दिशा में करना चाहते हैं। इतिहास में न जाने कितने ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कविता का उपयोग राजा महाराजाओं की स्तुति के लिए किया। यद्यपि कविताएं बड़ी सुंदर तथा साहित्यिक हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, किसी व्यक्ति के गुण यदि आप व्यक्ति के नाते से गावेंगे तो वह गंगा नहीं होगी, अपितु पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानई राम के नाते। कवि की दृष्टि में व्यक्ति वंदनीय है, पर व्यक्ति के नाते से नहीं, बल्कि भगवान के नाते से वंदनीय है। और इस नाते से वे चाहे किसी का भी गुणानुवाद गाए, पर उस कविता की सार्थकता है। जे कायर कलिकाल कठिन कल, सुखत बदन प्रशंसत निसदिन हरिते अधिक ही माने। प्रशंसा तभी है जब उन्हीं के संदर्भ में हम अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि यदि हम संसार का वर्णन करें तब भी तो कविता बन जाती है, और तब उन्होंने बहुत बढ़िया व्यंग करते हुए कहा कि कवि जब कविता करने के लिए सरस्वती जी को बुलाता है तो सरस्वती जी आती हैं, और यदि कहीं उस सरस्वती को हम संसार से जोड़ दें तो पता है सरस्वती क्या करती है? उन्होंने कहा कि कीन है प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनी गिरा लगत पछिताना। उस समय सरस्वती सिर पीटने लगती है। अभिप्राय यह है कि तबले और वाद्य में भी स्वर निकलता ही है, लेकिन सिर पीटने वाला स्वर न तो स्वयं को सुख देता है और न ही वह कल्याणकारी है। राम कथा की गंगा भी तब प्रकट हुई जब भगवान वामन से विराट बने। इसका संकेत क्या है? ब्रह्मा से किसी ने पूछ दिया कि भगवान तो बलि की यज्ञशाला में लीला कर रहे हैं, बलि यदि भगवान का चरण धोए तो आश्चर्य नहीं, पर आप प्रभु का चरण क्यों धो रहे हैं? ब्रह्मा ने कहा कि जिस ब्रह्मांड को प्रभु नाप रहे हैं वह मेरा बनाया हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे यह गर्व था कि मैंने कितना बड़ा ब्रह्मांड बनाया। सो आज प्रभु ने अपने चरणों से नाप कर बताया कि ब्रह्मा, तुम्हारा ब्रह्मांड कितना छोटा है। वस्तुतः भगवान बलि का नहीं अपितु मेरे कृतित्व का अभिमान नाप रहे हैं, वह है ब्रह्मा की अनुभूति। इसका अभिप्राय है कि कवि के में अगर अपने कृतित्व का गर्व है तो वह रामकथा गंगा को प्रकट नहीं कर पाएगा। भगवान के विषय में भी कविता का श्री गणेश करने से पहले यह भगवान के विराट रूप को देखें और यह अनुभव किया कि भगवान कितने विराट हैं और उनके सामने हमारी रचना, हमारी कृति और हमारे शब्द कितने सामर्थ्यहीन हैं। इस प्रकार भगवान के विराट रूप की अनुभूति हो और फिर वह भावना तथा अनुराग के जल से भरे हुए कमंडलू को भगवान के चरणों में ही लगा दे, और जो ही भगवान के चरणों से यह अनुराग तथा भावना जुड़ेगी, विचार जुड़ेगा, कवि के अंतःकरण में कृतित्व मिटने से अभिमान शून्यता आ जाएगी।
मैं कवि हूँ यह मान मिट जाएगा। गोस्वामी जी ने इतने बड़े श्री रामचरितमानस की रचना करने के बाद भी यही कहा, कवि न हूँ नहीं चतुर कहावूं। मैं कवि नहीं हूँ, कितनी अनोखी बात है। जिसके द्वारा इतनी बड़ी कृति की रचना हुई वे कहते हैं मैं कवि नहीं हूँ, और इससे उनको लाभ ही लाभ है। यह पूछा जा सकता है यदि कवि नहीं है तो कविता कैसे बन गई। इसका अभिप्राय यह है कि एक कविता वह है जो प्रयत्नजन्य है, व्यक्ति प्रयत्न करके शब्द बैठाता है, और दूसरी कविता वह है जहाँ पर कवि ने अपने को शून्य बना दिया है, जो अपनी जीवा का बोलने के लिए उपयोग नहीं करता, वाणी को खाली कर देता है, और तब उसका परिणाम यह होता है कि सारद दारु नारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जानी, जही पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर अजर नचा वही बानी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान सरस्वती को कठपुतली बनाकर कवि की जिह्वा पर नृत्य कराते हैं। बहुत बढ़िया संकेत कर दिया, कविता हो रही है पर कविता करने वाले स्वयं प्रभु हैं, व्यक्ति तो केवल उसका निमित्त मात्र है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि जो कुछ आपने लिखा है वह मौलिक है कि तोता रटंत है। आज भी ग्रंथों में जब कोई दावा करता है तो यही कहता है कि आज मेरी मौलिक कृति है, मौलिक विचार है। इसके द्वारा मानो यह कहना चाहता है कि इससे पहले यह विचार किसी के मस्तिष्क में नहीं आया था, यह तो मेरी बात है। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि अपना तो सब तोता रटंत है। सुनने वाले ने कहा कि यह घोषित करके तो आप अपने को नीचा दिखा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं भाई, मौलिक प्रतिभा जिसकी होती है उसको देखकर उसी की ओर दृष्टि जाती है। अगर तोता बढ़िया पाठ पढ़ने लगे तो पढ़ाने वाले की ओर दृष्टि जाती है कि इस तोते को पाठ किसने पढ़ाया। इसीलिए गोस्वामी जी ने भगवान से कहा दिया, आप ही आप हो नी के कजानत, राम तिहारो भरायो गढ़ायो, कीर जो नाम रटाई तुलसी। खोज की गई कि तुलसीदास से इतनी बढ़िया कविता किसने करा ली, तो अंत में पता लग गया कि सो कहे जग जानकी नाथ पढ़ायो। बोले, प्रभु चारों ओर प्रचार हो गया है कि कविता मेरी नहीं आपकी है, और जब आपने पाठ पढ़ाया है तो फिर आगे की चिंता भी आप ही कीजिएगा। वस्तुतः जब कोई अच्छी रचना हो जाती है तो व्यक्ति को भविष्य की ओर चिंता होती है कि फिर से अगर अच्छी रचना न हुई तो क्या होगा। संसार में ऐसा देखा भी गया है कि किसी के द्वारा एक दो रचना बहुत अच्छी हो जाती है, किंतु यह तो आवश्यक नहीं कि अन्य भी वैसी ही हों। पर गोस्वामी जी ने कहा, हमें क्या चिंता है, क्योंकि सोई है खेद जो वेद कहो, न घटई जन जो रघुबीर बढ़ायो, हो तो सदा खर को असवार, तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो। मैं तो पुराना गधे का सवार था, अगर आपके नाम ने हाथी पर चढ़ा दिया तो यदि उतारा जाएगा तो आपका नाम उतारा जाएगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो पुराना गधे का सवार ही हूँ। इसका मूल सूत्र यह है कि जिस कवि के अंतःकरण में कृतित्व का अभिमान नहीं है, मैं कवि हूँ यह वृत्ति जिसके मस्तिष्क से मिट चुकी है, और जिसको भगवान का विराट रूप दिखाई दे रहा है, प्रभु ने सारे ब्रह्मांड को अपने चरण मात्र से नाप लिया है, प्रभु के विराटत्व की ऐसी अनुभूति जिसके अंतःकरण में हो रही है, और तब अनुराग तथा भाव भरे जल से जब वह प्रभु के चरणों को पखारता है तो उसके कमंडलों में गंगा आ जाती है। यह है गंगा रूपी कविता का जन्म। गंगा पहले ब्रह्मा के कमंडलों में आई, पर ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं और वहां तक पहुंचना तो बिरले व्यक्ति के लिए संभव है। वैसे भी अगर कवि की रचना इतनी ऊंची हो जाए कि साधारण व्यक्ति उसे समझ ही न सके तो फिर उसका लाभ जन को तो नहीं मिला। इसका अभिप्राय यह है कि वह कविता जो दिव्य तत्व से भरी हुई है उस गंगा को लोक के लिए भी सुलभ बनाना है। कथा का तत्व भी यही है, जैसे गंगा जी अगम थी वैसे ही रामकथा का जो मूल रूप है वह तो सचमुच अद्भुत वर्णातीत है। गंगा लोक कल्याण के लिए भगीरथ की कृपा से ब्रह्मा के कमंडलों से नीचे उतारी गई। गंगा जी ने कहा, मैं उतरने को तो प्रस्तुत हूँ, पर मृत्यु लोक में मुझे कोई धारण करने वाला है क्या। जब मैं उतरूंगी तो मेरा वेग इतना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वेग से धरती फट जाए और मैं पाताल में चली जाऊं। इसलिए मुझे कोई धारण करने वाला तो हो। और तब पता चला कि शंकर जी धारण करेंगे। इसका अभिप्राय है कि विवेक के कमंडलों से
जो कथा की गंगा निकली उसे साधारण व्यक्ति कैसे धारण करेगा? उसे तो विवेकी वक्ता और विश्वासी श्रोता ही धारण करेगा। इसका अभिप्राय है कि विवेक से बोले और विश्वास से सुने तो मानो गंगा आ गई। यही समन्वय है। वक्ता जब विवेकी नहीं होगा तो उसकी कथा युक्ति संगत नहीं होगी, और श्रोता भी अगर मात्र विवेकी होकर बैठ जाए, तर्क की कैंची से सारी बातें काटता रहे और कथा में दोषी दोष निकालते रहे, तो इसका परिणाम यह होगा कि वह कथा आप धारण नहीं कर पाएंगे। शंकर जी के पास दोनों गंगा हैं, एक जो ब्रह्मा के कमंडलों से नीचे उतरी वह उन्होंने मस्तक पर धारण किया है, और राम कथा की गंगा इनके पास पहले से ही है। पर दोनों के उद्गम में एक अंतर है। वे गंगा तो ब्रह्मा के कमंडलों से निकली, पर राम कथा की गंगा का उद्भव शंकर जी के हृदय से हुआ। शंकर जी का स्वभाव यह है कि गंगा जब आ गई तो इतने आनंद में डूब गए कि गंगा बाहर निकल ही नहीं रही है। इसका भी प्राय है कि कभी कभी इतना रस आता है कि रस का अनुभव करने वाले को बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। सच्चा वक्ता वह नहीं है जिसको कहकर आनंद आता है, बल्कि बिना कहे भी जो उस रस का पान करता हुआ स्वयं आनंद लेता है। यही शिव का स्वभाव है। जब भागीरथ ने प्रार्थना की कि महाराज भगवती गंगा को और नीचे आने दीजिए, और तब भगवान शंकर ने कृपा करके अपने मस्तिष्क से उस धारा को प्रवाहित किया। गंगा उतरी और उतरकर गंगा सागर तक बहकर जीवों को धन्य करने लगी। यह ब्रह्मा के कमंडलों में प्रकट होने वाली गंगा थी, पर यह जो राम कथा की गंगा थी उसको तो भगवान शिव अपने हृदय में छिपाए हुए थे और वहां से उन्हें प्रकट ही नहीं कर रहे थे। रची महेश निज मानस राखा। अब इस गंगा को प्रकट करने का श्रेय किसे है? और तब आप देखेंगे कि इस गंगा को प्रकट करने का श्रेय पार्वती जी को है। पाई सुसमऊ शिवासन भाषा। पार्वती जी न होती तो ये राम कथा की गंगा शंकर जी के हृदय में ही रह जाती, हम लोगों के पास बह कर न आती। अब यहाँ दूसरा सूत्र यह है कि पार्वती जी कौन है। पार्वती जी मूर्तिमती श्रद्धा हैं। इसका अभिप्राय है कि जब आप राम कथा की गंगा को नीचे उतारना चाहें तो पहले श्रद्धा से प्रार्थना करें, क्योंकि विवेक और विश्वास से निकल करके यह कथा तब प्रवाहित होगी जब सामने वाला कोई पार्वती तो बने। इसका अभिप्राय है कि वक्ता भले ही शिव हो पर श्रोता पार्वती है कि नहीं। पार्वती का तात्पर्य स्त्री पुरुष से नहीं है, वस्तुतः पार्वती वाली वृत्ति है कि नहीं। आपने देखा शंकर जी के हृदय में राम कथा की गंगा थी और पार्वती जी पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती के रूप में उनकी पत्नी थी। भगवान शंकर ने एक दिन सती जी से कहा कि मैं कथा सुनने जा रहा हूँ। आश्चर्य, स्वयं कथा के सबसे बड़े निर्माता और हृदय में कथा को धारण किए हुए हैं पर कथा सुनने जा रहे हैं, और जा भी कहाँ रहे हैं? दंडकारण्य में। सती जी ने जानना चाहा, महाराज कैलाश से उतरकर आप इतने नीचे दंडकारण्य में जाएंगे? शंकर जी ने कहा, सती ऊपर से नीचे उतरे बिना कथा समझ में ही नहीं आती, इसीलिए कैलाश से उतरना जरूरी है। वक्ता को ऊपर बैठाया जाता है और श्रोता को नीचे। इसका अभिप्राय यह है कि जब श्रोता के मन में वक्ता के प्रति विश्वास होता है और तब स्वयं अपने आप में शिष्य भाव अथवा जिज्ञासु भाव लेकर श्रवण करता है, तब कहीं सच्चे अर्थों में वह कथा का आनंद ले पाता है। इसीलिए पार्वती बनना बहुत कठिन है। शंकर जी नीचे उतरकर जब कथा सुनते हैं तब कथावाचक कौन है? और पता चलता है कुंभज ऋषि वक्ता हैं। कुंभज का अर्थ तो आप सब जानते ही हैं। कुंभ कहते हैं घड़े को, और कुंभज के माने जिनका जन्म घड़े से हुआ है। सती जी ने कहा, महाराज आपने तो और भी आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि आप तो हैं साक्षात समुद्र चरित सिंधु गिरिजा रमण। क्या कभी समुद्र घड़े के पास जाता है? फिर आप घड़े के बेटे के पास सुनने क्यों जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, सती जो समुद्र को घड़े तक ला सके वही तो कथावाचक है। कुंभज जी बहुत बढ़िया कथावाचक हैं, जिन्होंने जन्म तो लिया घड़े में और पी लिया समुद्र को। महर्षि अगस्त्य में यह बड़ी अद्भुत क्षमता है। सती जी ने कहा, मैं भी चलूंगी, और भगवान शंकर जी के साथ चली गई। भगवान शंकर ने सती जी को कथा पहले कभी नहीं सुनाई थी,
उन्हें लगता था कि मैं सुनाने लगूं और कहीं उनके पिता दक्ष के संस्कार जग जाएं, तब तो सारा रस चौपट हो जाएगा। इसीलिए वे परख रहे थे और यहाँ पर भी शंकर जी के साथ चली तो गई, पर पहुंच जाने के बाद सबके लिए सुन लेना संभव नहीं होता। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि कथा सुनने के लिए आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। कई श्रोता शरीर में बैठकर सुनते हैं तो उनको कथा में नींद आने लगती है, क्योंकि शरीर का धर्म प्रबल हो गया तो कथा नहीं सुन पा रहे हैं। कई व्यक्ति मन में बैठकर सुनते हैं, उन्हें मनोरंजक बातों पर आनंद आएगा। हंसी की बात पर तो आनंद आया, पर बुद्धि की बात आई तो मन से कहीं और चले गए। यद्यपि शरीर से तो बैठे हुए हैं कथा में और मन से कहीं और घूम रहे हैं, यदि केवल बुद्धि से सुनेगा तो तर्क वितर्क उत्पन्न होंगे और अहंकार होगा तो सुनेगा ही नहीं। रामायण की मान्यता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ श्रोता वह है जो मन बुद्धि चित्त तीनों को कथा में लगा दे। इस प्रकार जब कोई कथा सुनेगा तो कथा समझ में भी आवेगी और जीवन में भी उतरेगी। सरल सा अर्थ है कि मन में रस आएगा, बुद्धि से समझ में आवेगी और चित्त के द्वारा जीवन में उतरेगी। और सती जी की समस्या यही तो थी। सती जी शंकर जी के साथ चली तो गई पर कथा सुन नहीं पाई, क्योंकि जो ही अगस्त्य जी ने देखा शंकर जी आए हुए हैं तो उठकर बड़ा स्वागत किया। अब एक सरल सा प्रश्न यह है कि वक्ता बड़ा है कि श्रोता, और बहुत बढ़िया उत्तर है। शंकर जी मानते हैं कि वक्ता बड़ा है, इसीलिए अगस्त्य जी को न बुलाकर स्वयं नीचे चले आए और कथा सुनकर गदगद हो उठे। दूसरी ओर वक्ता अगस्त्य जी अगर समझ लेते मैं कितना बड़ा हूँ जो कि शंकर जी मेरे पास सुनने चले आए, तो उनमें श्रेष्ठता का अभिमान आ जाता। पर यहाँ तो अगस्त्य जी गदगद होकर सोच रहे हैं सचमुच शंकर जी की कितनी महानता है। जैसे बालक के पास जब माता पिता आते हैं तो उनमें उनका वात्सल्य होता है, इसी प्रकार से शंकर जी और सती जी तो माता पिता हैं, आज वे स्वयं कृपा करके चले आए। गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार त्रेता जुग माही, संभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर ने सती जी को ऊंचे आसन पर बैठाया और लगे उनका पूजन करने। इसका अर्थ है कि श्रोता तो व्यक्ति की पूजा करे ही, पर इतना ही नहीं, वक्ता अगर सच्चे अर्थों में कथा कहना चाहता है तो उसको भी इसीलिए श्रोता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रोता को निमित्त बनाकर तो भगवान के गुणानुवाद वर्णन करने का अवसर प्राप्त होता है। वर्णन आता है कि गरुड़ जी जब काकभुशुंडी जी के पास कथा सुनने आए तो आश्चर्यजनक घटना थी है, क्योंकि गरुड़ पक्षियों के राजा हैं और सुनने आ गए कौवों के पास जो पक्षियों में सबसे नीच है। लेकिन काकभुशुंडी जी को यह गर्व नहीं हुआ कि मैं कितना बड़ा हूँ जो कि मेरे पास कथा सुनने पक्षियों का राजा आया है। उन्होंने तो यही कहा, गरुड़ जानते हैं आप स्वेच्छा से थोड़े ही आए हैं, बल्कि प्रभु ने आपको भेजा है। गरुड़ जी ने कहा, मुझे तो प्रभु के विषय में ही संदेह है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, यह भी प्रभु की लीला है, जानबूझकर उन्होंने आपके मन में संशय उत्पन्न करके आपको यहाँ भेजा, क्योंकि पठही मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बड़ाई मोही। भगवान छोटे को बड़ा बनाते हैं। प्रभु मानो यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, तत्वतः तो कथा इतनी बड़ी है कि इसके सामने बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी छोटा हो जाता है। मुझे तो लगता है कि कथा की महिमा प्रकट करने के लिए ही प्रभु ने ऐसा अवसर दिया है। भगवान शंकर और मुनि जी का परस्पर विनम्र भाव बढ़ रहा है। इसके पश्चात जब कथा प्रारंभ हुई तो शंकर जी गदगद हो गए कि ऐसा विनम्र कथावाचक कौन होगा, पर सती जी बुद्धि और अहम की भूमिका में स्थित हो गई। परिणाम यह हुआ कि उनको बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ी, क्योंकि उनकी बुद्धि ने तर्क वितर्क करते हुए अहंकार का समर्थन किया। उन्हें लगा कि इन्होंने मेरी पूजा की, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मेरी अपेक्षा यह कम बुद्धिमान है, छोटे हैं, और जब वे मुझसे छोटे हैं तो मैं इनकी बात क्यों सुनूं, मुझे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ उन्होंने पातिव्रत का अहंकार अलग पाल लिया। अरे, मुझे कथा सुनने की थोड़ी ही आवश्यकता है, मैं तो शंकर जी की पतिव्रता पत्नी हूँ, कथा कोई और सुने, मुझे कोई अपेक्षा नहीं इसकी। और जब इस प्रकार परमात्मापन का अभिमान, बुद्धिमत्ता का अभिमान आया
तो परिणाम यह हुआ कि कथा में बैठी रही पर कथा सुनी नहीं, और जब समाप्त हो गई तो शंकर जी ने महर्षि के अनुरोध पर उन्हें नवदा भक्ति का उपदेश दिया। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही संभु अधिकारी पाई। कितना अद्भुत रस आ रहा है, महाराज भगवान शंकर महर्षि से सुन रहे हैं और महर्षि शंकर जी से सुन रहे हैं, पर जिन्होंने अहंकार की भूमि पर बैठकर धर्म का, बुद्धिमत्ता का अहंकार लेकर कथा का तिरस्कार किया है, अंत में भगवान शंकर के द्वारा उन सती जी का त्याग हो गया। मानो भगवान शंकर कहते हैं कि जो बुद्धि भगवान के प्रति कुतर्क करे, संशय उत्पन्न करे, वह बुद्धि चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, वह ग्राह्य नहीं है, उसको छोड़ ही देना चाहिए। अंत में बड़ी कठिन साधना के बाद वे बदल गई। बदली भी कैसे, अगले जन्म में पार्वती बनी और भगवान शंकर के सामने बैठ करके बहुत मीठा वाक्य कहा। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। महाराज, शैल कुमारी आपसे कथा सुनना चाहती है। यह शैल कुमारी शब्द क्यों कह दिया, उसका तात्पर्य था कि दक्ष कुमारी को तो आपने इस योग्य माना नहीं कि सुनावे। अब मैं दक्ष कुमारी नहीं रह गई, अब तो शैल कुमारी हो गई, अब तो सुनाने की कृपा करेंगे ना। उनका अभिप्राय है कि गंगा भी भगवान शंकर के मस्तिष्क से निकलकर हिमालय पर्वत पर पहुंची और मैं भी हिमालय की बेटी हूँ। मेरे पिता के द्वारा गंगा का प्राकट्य हुआ तो आज उनकी पुत्री के द्वारा दूसरी गंगा का अवतरण होना चाहिए। पूर्व जन्म का अनुभव लेकर सती जी ने दूसरे जन्म में पति के रूप में तो शंकर जी को ही मांगा, पर दक्ष के स्थान पर पत्थर की बेटी बनना पसंद किया, क्योंकि पत्थर तो निष्ठा का प्रतीक है। हिमालय अड़िग निष्ठा का परिचायक है। उसी पहाड़ के बीच से जब जल की दिव्य धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार बुद्धि श्रद्धा के रूप में परिवर्तित हुई और जब उन्होंने यह प्रश्न किया तो यद्यपि शंकर जी के हृदय में तो यह राम कथा की गंगा न जाने कितने दिनों से थी, पर आज शंकर जी गदगद हो गए और आनंदित होकर के कहा, पार्वती पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन हूँ प्रश्न जगत हित लागे। तुम्हारे अंतःकरण में प्रभु के प्रति इतना प्रेम है कि तुम अपने बहाने से राम कथा की धारा को प्रवाहित करना चाह रही हो और आज उस राम कथा की गंगा में हम सब स्नान कर रहे हैं। नारायण नारायण।